हफ़्ते के दौरान जो मामलात और हालात दुनिया में रूनमा हो रहे हैं एक तो एक से रुकनी माह आस्ट्रेलिया और अमेरिका और बरतानिया अभी इसी गुजा हफ़्ते में हुआ है और वो ये है कि आस्ट्रेलिया अपने मुल्क में अपने इंजीनियरियों के ज़रिए से इंजीनियर्स के ज़रिए से एटमी आबदोज़ बनाने का इरादा रखता था और ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ें इनके दरमियान हो रही थी अभी जो ताज़ा मसला है वो बरतानिया और अमेरिका और इन आस्ट्रेलिया की हुकूमत अलबा जो है वो उस हद तक मुश्द नहीं हैं और वो बोक्स और वो दुश्मनी इस्लाम के साथ उस हद तक अवाम में ये नहीं है और मुसलमान के ख़िलाफ़ भी नहीं है लेकिन हुकूमतें इतनी ाल और ना इंसाफ़ और इंसानियत से दूर उनका जो किरदार है वो बड़े अरसे से जो है यूँ समझ लें कि हज़ार हाँ साल से हम कह सकते हैं कि वो खुदा के साथ और खुदा के दीन के साथ और खुदा और दीन के चाहने वाले मुसलमानों के साथ हमेशा इन्होंने दुश्मनी का इजहार किया है अब देखें यहाँ पर जो है ये एटमी आबदोस कि जिसमें एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत भी होगी और उसको इस्तेमाल करने की भी उसमें सिस्टम और मकानिज़म है ये अमेरिका दुनिया में जितने भी ये मुस्लिम ममालिक ख़त तौर पर जो है और बाकी भी हैं कि जिनको ये आंखें दिखाता है और अपनी उस बर्तरी और उस शैतानी सिफ़त का वक्तन-फक्तन इजहार दूसरों के साथ भी करता रहता है लेकिन ख़ास तौर पर जो है मुसलमान साथ ये इराक़ में आया है इसी बहाने से आया है कि इराक़ के, के बादशाह जो है वो एटमी हथियार बना के रखे हुए हैं और हम उनको तबाह करना चाहते हैं वह चूँकि उस ज़माने में सदाम इनको इजाजत नहीं देता था कि वह आकर चेक करें और जब आया इस बहाने से उस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया और मिला कुछ नहीं है और इसी बहाने से जो है वो दूसरे ममालिक पर भी वक्ता फ़क्ता जो है ये पाबंदियाँ ये ईरान पर जो है इकतसदी पाबंदियाँ और ये सारी की सारी कोशिश उसकी बहाना यही है कि ये एटमी हथियार और वहाँ पर जो है वो यूरियन अफजुदा कर रहे हैं और ये एटमी हथियार बनाना चाहते हैं वो बद बदसफत और शफानी शैतानी सिफत का मालिक बल्कि बहुत बड़ा शैतान के जो दुनिया में इस वक्त है वही अमेरिका और इसकी पुष्ट पनाही में जो है वो यहूदी स्यूनिज़म है अब ये जो जहाँ पर भी इसको बहाना बनाकर चढ़ दौड़ता है वही अमेरिका इस माहे में सर फहरस्त है कि जो उसकी एड भी दे रहा है तान भी कर रहा है माली तावन भी कर रहा है इनफरादी तान भी अफरादी तावन भी कर रहा है कि आप ये हथियार और ये आप दो एटमी किश्तियाँ बनाएं यानी उस चीज़ को जिसको बहाना बनाकर जो है इस्लामी ममालिक पर इसने चढ़ाई की है और आज भी ये कह रहा है कि ये एटम बना रहे हैं और एटम जो इंसान के लिए नुकसानदेह, इंसान की ज़िंदगी के लिए तबाहकुन है ये खुद सबसे बड़ा एटमी हथियारों का मंबा भी इसके पास है और दुनिया में भी इसकी सरतोड़ कोशिश है कि कुफार को जो है एटमी ताकत बना दिया जाए और इसके मुकाबले में जो है जिसका इरादा भी नहीं है बल्कि मकाम मुआजम राहबरी ने ऐलान किया है कि ये एटम बनाना जुर्म है खिलाफ इंसानियत है खिलाफ अदालत है हम कभी भी एटम नहीं बनाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं कितने साल हर साल से जो इसी को बहाना बनाकर जो है ये इन हथियारों को बहाना बनाकर उन ममालिक को जो है इकतदी लिहाज से मुआशी लिहाज से हर लिहाज से जो है उनको कुचलना चाहता है और नीस तो नाबूद करने के दर पर है बहाना यही है लेकिन वो के जो दूसरों को मना करता है दूसरों पर अटैक करता है वो खुद इस माहे में सर फहरिस्त नजर आ रहा है दुनिया को इसकी मजम्मत करनी चाहिए और दुनिया को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि ये काम आपको ख़ुद को नहीं करना चाहिए और दूसरा मौजू जो है वो हमारे हमसाए मुल्क अफ़ग़ानिस्तान का मसला है इस वक्त जो है जो इतलात हैं अफगानिस्तान की आवाम की और उनकी ज़िंदगी के बारे में कि अक्सरियत यानी नाइन्टी नाइन परसेंट पचानवे परसेंट परसेंट आवाम ऐसी है कि उनकी तमाम की तमाम आमदनी का जो हिस्सा है अस्सी परसेंट वो फकत उनकी ग़ा को पूरा कर रहा है यानी अगर एक सौ रुपया अगर उसकी आमद है तो उसमें से अस्सी रुपये सिर्फ़ उसके खाने पर ख़र्च हो जाते हैं और इसके अलावा उसके लिए दवाई है उसके लिए सर्दी के वसायल हैं उसके लिए गर्मी के वसायल हैं उसके लिए छत चाहिए सर छुपाने के लिए बदन छुपाने के लिए उसको लिबास की जरूरत है एजवाजी जिंदगी है तई दस्त हैं इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है यानी अस्सी परसेंट तो सिर्फ खाने में रोटी में गंदम की रोटी मुहैया करने में लग जाते हैं और बाकी जो है दस पंद्रह परसेंट बचते हैं तो लोग वहां से जो है बीमारी से मर रहे हैं डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में कोई सहूलत मौजूद नहीं है और आलमी बिरादरी भी उस तरह जिस तरह अवामी सतह पर जो है और हुकूमती सतह पर अवाम अफ़गानिस्तान के साथ तान करना चाहिए था आलमी बिरदरी भी उस ताउन नहीं कर पा रही और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो तालिबान की हुकूमत और इनकी फिक्र और इनका माइंड सेट है ये कहते तो हैं जबान से कि हम ऐसी हुकूमत बनाएंगे और तमाम धड़ों को शामिल करेंगे लेकिन अभी तक तीन चार महीने हुए हैं आलमी बिरदरी में से किसी ने भी इस को तस्लीम नहीं किया हती खुद अफगानिस्तान के अवाम भी बाज धड़े जो है इस पर राजी ने और अभी तक भी जो है बाज इलाकों में जो है ये जंग अभी तक मौजूद है और उसका नतीजा यूसी का नतीजा है कि जो इनका अमली तौर पर जो इकदाम है अब भी ये सारी की सारी हुकूमत का जो सेटअप है वह तालिबान के सारे के सारे नुमाइंदे वहां पर हर जगह पर हर मनसब पर मौजूद है जबानी तो कहते हैं कि हम हर एक धड़े को जो है उसका हक देंगे और हम उसको शामिल करेंगे हुकूमत में लेकिन जब तक अफगानिस्तान में तालिबान ये वसी बुनियाद वसीबनियादूमत कायम नहीं कर पाते उस वक्त तक जो है ज़ाहिर आलमी बिरादरी भी सोच रही है कि ये आखिर क्या करना चाह रहे हैं ये वही माइंड सेट है कि जो कुछ अरसा पहले काबिज हुआ था और फिर पीछे हटे और पीछे हट फिर आ रहे हैं इनका अमल इनकी फ़िक्र इनकी सब कुछ है ज़बानी तौर पर कह रहे हैं कि हम आलमी बरदरी बरदरी के साथ हैं आलमी बरादरी को भी हकूमत तालिबान को नहीं देखना चाहिए बल्कि अफगानिस्तान की आवाम को देखना चाहिए खुदा न खास्ता कोई इतना बड़ा सान है इंसानी वक़ू पजीर हो जाता है जिसकी पोजिशन ये है कि अस्सी फ़ीसद सिर्फ़ रोटी खाने के लिए उनके पास है गर्मी के वसायल हैं सर्दी बच्चे हैं बीमार हो जाते हैं बड़े बीमार हो जाते हैं डॉक्टर नहीं हैं दवाइयाँ नहीं हैं पैसा नहीं है वसायल वहां पर नहीं है और एक तबाह शुदा मुल्क वो अमेरिका के जो इसको मेमारी का दावा करता था कि मैं इसकी तामीर करूंगा उसने अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करके इस हालत में अब मुझे मालूम नहीं है सही आमार कितने मिलियन डॉलर जो है वही अमेरिका इस अफगानिस्तान की आवाम के दबा के बैठा हुआ है और वो नहीं दे रहा कहते हैं जब तक तालिबान की इस तरह की हुकूमत है हम वो हवाले नहीं करेंगे आप हुकूमत के हवाले ना करें कम अज कम अफगानिस्तान के आवाम के लिए एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है उसके लिए जो है कम अज कम जो आवाम का पैसा है वो तो दे दें ताकि लोग जो है बेचारे मरने से बच जाएँ मौत से बच जाएँ कुछ ना कुछ उसकी इमदाद हो जाए आप खुद नहीं दे सकते तो उनका पैसा वापस कर दें हमारे पाकिस्तान में भी हमारे वज़ी अजम ने पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है वो जो ओ आई सी का जो इजलास था वज़्र खारजा का उसमें भी कोई ख़ातर खा नसीदा नतीजा सामने नहीं आया ऐलान तो हुआ है कि हम एक फंड कैम करेंगे और फंडिंग होगी और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं सिर्फ ईरान को नहीं सिर्फ इराक को नहीं तमाम आलम बिरादरी को जो है आलमी बिरादरी को इसमें सोचना चाहिए और ख़ुदा न खास्ता कोई इंसानी सानह इतना बड़ा वक़ू पजीर होता है कोई हादसा होता है तो ये ना समझें कि फकत हमसाए ममालिक को नुकसान होगा ईरान या पाकिस्तान को नुकसान होगा बल्कि उसके मनफी असरा जो है खुदा न करे खुदा न करे तमाम दुनिया पर जो है वो मुतरतब होंगे और तमाम उस नुकसान में की लिपेट में तमाम ममालिक आएंगे ये एक ऐसा सानिया है कि जहाँ अफलास होता है जहाँ गुर्बत होती है जब लोग मर रहे होते हैं उनको पता होता है कि हमने मरना तो है फिर वो कहते हैं क्यों ना हो कि हम चार और को भी मार के इस दुनिया से चाहे चूंकि मौत को उनको सामने नजर आ रही होती है जब उनके ऊपर खाने के लिए नहीं है तो आप अंदाजा करें कि बाकी कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरेगी बाहर खुदा वंद मुताल से दुआगो हैं कि पर दिगार आलम जहाँ जहाँ भी इंसान मुश्किल में है परेशानी में है बेअालती का शिकार है जुल्म का शिकार है तदुदुद का शिकार है खुदा वंद मताल तमाम बनी न इंसान को ालिम के जुल्म से महफूज करे खुदा वंद मताल में सरत अहिल बैतुम सलाम सीरत आइम आलम सीरत मोहम्मद व आल महमद पर